हे गाइस, प्रिंस हियर। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, अगर आपके डॉ प्रीमियम के अंदर टाइमलाइन शो नहीं कर रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके टाइमलाइन में मिनट और सेकंड की जगह नंबर शो हो रहे हैं कुछ इस प्रकार से, आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आप चाहते हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो आपको क्या करना है। यहाँ से मैं जा रहा हूँ एडोब प्रीमियर पे और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप ओपन करोगे आप यहाँ पर आ जाओगे, फिर आपको यहाँ से क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पे। इसके बाद आपको प्रोजेक्ट का नेम डालना है। जब आप इंटर कर दोगे इसके बाद अगर आप नीचे देखोगे तो ओके का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फाइल इम्पोर्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ से कोई वीडियो फाइल इम्पोर्ट कर लेता हूँ। अगर आपने जो भी फाइल को इम्पोर्ट किया है उसे आप टाइमलाइन के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। इसके बाद बाय मिस्टेक यू कैन क्लोज द टाइमलाइन लाइक दिस। इसके अलावा अगर आपने कोई और ऑप्शन को क्लोज कर दिया है तो उसे भी आप फिक्स कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना है विंडोज़ पे, देन आपको यहाँ से क्लिक करना है वर्क स्पेस, फिर आपको क्लिक करना है रिसेट टू सेव लेआउट। जैसे आप क्लिक करोगे तो जैसे पहले था वैसे ही ऑटोमेटिक हो चुका है। जो सेकेंड प्रॉब्लम है उसके बारे में हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप मुझे ये बताइए कि जब भी मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, जैसे मैं इसको प्ले कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मिनट और सेकेंड शो नहीं हो रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हो तो आपको क्या करना है। तो जैसे मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर टाइमलाइन फ्रेम में वो नंबर में शो हो रहा है, तो हम इसे कन्वर्ट करने वाले हैं मिनट और सेकेंड के अंदर। तो हम इसे कैसे करेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है और आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, फिर आपको सेलेक्ट करना है 2997 FPS ड्रॉप / फ्रेम टाइम कोड। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो चुका है मिनट और सेकेंड के अंदर। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो जो सेकेंड सोल्यूशन है, मान लो यहाँ पे फ्रेम ही शो हो रहा है, इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो फिर आप इसको कैसे सही करोगे। इसके लिए आपको क्लिक करना है सेटिंग पे, फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है शो ऑडियो टाइम यूनिट। जैसे आप सेलेक्ट करोगे मिनट और टाइम शो होना स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, अगर आपका टाइमलाइन शो नहीं हो रहा है, सेकेंड आपको टाइमिंग शो नहीं हो रहा है, तो उसे कैसे सॉल्व करना है। गाइज, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास आएंगे। आपको वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गाइज, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर मिलेंगे नए वीडियो में।